चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि देश के 10 बड़े शहरों के तुलनात्मक अध्ययन में प्रदेश पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केसों का प्रतिशत 2.17 है। प्रदेश में अब तक 9,271 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं मृत्यु दर 2.16 है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर सर्वाधिक 67.59% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी चिकित्सा विभाग कार्य कर रहा है। 10 राज्यों के एक्टिव केस हों, चाहे जो क्योर्ड केस हों, जो ठीक हो चुके हैं, या मृत्यु दर प्रतिशत, इन तीनों का तुलनात्मक जो डाटा दिया है उसमें राजस्थान, चाहे एक्टिव केसेस की बात हो और चाहे ठीक हो गए केसेस की बात हो, राजस्थान नंबर वन है और मृत्यु दर में भी राजस्थान चौथे स्थान पर है, जो सब 10 बड़े राज्य हैं उनके तुलनात्मक स्टडी में। और हमारा जो पॉजिटिव केसेस का ग्राफ था वो जो बढ़ा हुआ था वो ग्रोथ रेट अब नीचे आ गई, बल्कि फ्लैट से भी नीचे डाउन जा रही है। कुल मिला के राजस्थान में कोविड के, चाहे आप पॉजिटिव परसेंटेज की बात कर लो, तो 2.17 है। हमारी मोर्टिलिटी की जो रेट है वो भी बहुत कम है, 2.16% है सिर्फ, और जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 67.59% है। जांच की क्षमता हमारी 18,250 पर डे टेस्ट है। हमने कहा 25,000 करेंगे, वो आने वाले 5-7 दिन में 25,000 टेस्ट पर डे हो जाएंगे। उसके अलावा 4,00,000 से ज़्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं स्टेट में, कंट्री में टोटल 35,00,000 टेस्ट हुए हैं। अकेले SMS अस्पताल ने 1,10,000 टेस्ट किए हैं, तो हम टेस्टिंग में भी आगे हैं। हमारा रिकवरी का प्रतिशत भी बहुत शानदार है और यहाँ मृत्यु दर भी सबसे कम है। और जिस ढंग से कोरोना पे हमने कंट्रोल किया है, अभी राजस्थान में जो एक्टिव केसेस हैं वो है 2803। उसमें से जो माइग्रेंट आए, प्रवासी राजस्थानी आए, उनके केसेस है 2620। अगर 2620 केस जो अभी इसी महीने में, मई के महीने में आए थे, पिछले महीने में, ये इनको माइनस कर दो तो हमारा तो 183 एक्टिव केसेस रह जाते हैं ओरिजिनल जो स्थिति थी उसके मुताबिक।